इंडियन प्राइम न्यूज पर मैं आपके साथ विजय यादव। आज हम बात करते हैं रैपिड टेस्ट किट के बारे में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR को बेची गई चीन से आयातित COVID-19 रैपिड टेस्ट किट में बहुत मोटा मुनाफा कमाया गया है। इस किट की भारत में आयात लागत 245 रुपए ही है, लेकिन इसे ICMR को 600 रुपए प्रति किट बेचा गया, यानी करीब 145% के मोटे मुनाफे के साथ इस किट की भारत में आयात लागत 245 रुपए ही है, लेकिन इसे ICMR को 600 रुपए प्रति किट बेचा गया है, यानी करीब 145% के मोटे मुनाफे के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नाजमी वजीरी की सिंगल बेंच ने इसका दाम 33% घटाकर इसे प्रति टेस्ट किट 400 रुपए में बेचने का आदेश दिया है। इस कीमत पर भी वितरक को 61% का मुनाफा मिलता है। हाई कोर्ट ने इसे पर्याप्त बताया है। असल में इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर रेयर मोटोवोनिक्स ने आयतक मैट्रिक्स लैब के खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी। मैट्रिक्स लैब ने इस किट को चीन के वोडोम्बो बायोटेक से आयात किया था। विवाद इस बात पर था कि आयातक बाकी बची 2.24 लाख किट ICMR को नहीं भेज रहा है। आयतक मैट्रिक लैब्स ने ऐसी 5 लाख किट आयात की थी, लेकिन उसका कहना है कि उसे 21 करोड़ रुपए 20 करोड़ प्लस GST में से अभी सिर्फ 12.75 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया है। एग्रीमेंट के मुताबिक आयतक को पहले बाकी बचे 8.25 करोड़ रुपए के भुगतान करने थे, लेकिन रेयर मोटोवेलिक्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह अनुरोध किया कि उसे बाकी बची 2.24 लाख किट दिलाई जाए, ताकि वह ICMR को आपूर्ति करने का अपना एग्रीमेंट पूरा कर सके।